हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग बताइए। आज एक दो दिन का गैप हो गया है, उस गैप के बाद हम आपके साथ फिर से मिल रहे हैं टाइम स्पीड और डिस्टेंस का। ये कौन सा वीडियो है? 04 चौथा वीडियो। इस वीडियो में एक अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसा कि आपको पहले से ही पता है हर वीडियो में कुछ अलग क्वेश्चन आता है। आज का जो क्वेश्चन है वो ट्रेन और जो प्लेटफॉर्म होता है, ट्रेन की जो लंबाई होती है, उस चीज से रिलेटेड है। मतलब आज के वीडियो में हम वही क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे जिसमें हम ट्रेन की लंबाई, ट्रेन का स्पीड, ट्रेन का थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड, जो ट्रेन को किसी दूसरे ट्रेन को पार करने में जो समय लगता है, इसी सब चीजों से जो रिलेटेड क्वेश्चन होता है, हम उसी क्वेश्चन को यहाँ पे आज करेंगे। देखिए, अब तक तीन वीडियो आया है, तीनों वीडियो पे मैंने बहुत ज्यादा सिंपल करने की कोशिश किया था कॉन्सेप्ट, जिसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ी थी। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग पे ज्यादा जोर ना पड़े और आपको बात भी समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन है जो 9 सेकंड में पोल को पार कर जाती है। अगर ट्रेन की लंबाई स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 48 किलोमीटर पर आवर। कितना समय में पार कर जाता है पोल को? 9 सेकंड। तो आपको बताना है कि ट्रेन की लंबाई क्या है। अब देख रहे हैं कि ट्रेन, कभी भी ट्रेन, जैसे मान लीजिए यही ट्रेन है, यहां एक पोल है, इसको पार करने में ट्रेन को क्या करना होगा? अपनी पूरी लंबाई पार कर जाना। मान लेते यहां से यहां तक ट्रेन की लंबाई है, जब यहां पर आ जाएगा टाइम स्टार्ट करेंगे और यहां से जैसे ही ट्रेन यहां चला जाएगा, निकल जाएगा इसके सामने से, तो आप कहेंगे सर अब समय हम स्टॉप कर रहे हैं, और बताएंगे कि आपने 9 सेकंड का समय नोटिस किया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन जब आप किसी पोल को पार कर रहा हो या किसी भी चीज को पार करेगा, तो अपनी लंबाई जरूर उसे पार करना होगा। और अगर वो किसी पोल को पार कर रहा है, इसका मतलब सिर्फ अपनी लंबाई पार कर रहा है, क्योंकि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर के सामने पोल की जो लंबाई होगी, पोल की लंबाई क्या होगी मुश्किल से कहेंगे तो आप अंदाजा लीजिएगा, तो बहुत ज्यादा मोटा होगा पोल, बहुत ज्यादा मतलब गोल मोटा होगा, तो आप कहेंगे आधे इंच, पौन इंच, सॉरी आधे फीट, पौन फीट। कहने का मतलब जो इतना लंबा है पोल ट्रेन, उसके तुलना में हम पोल को नेग्लिजिबल कहते हैं, कहते हैं पोल की लंबाई ही नहीं है कुछ। इसका मतलब जो ट्रेन की जो लंबाई होगी, ट्रेन का जो लेंथ होगा, वो ट्रेन का लेंथ क्या होगा, उस पोल को पार करने में जितने समय लगा होगा, गुना उस पोल को जिस स्पीड से पार किया होगा। इसका मतलब नॉर्मल फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या होता है, जो भी डिस्टेंस पार चला होगा वो 48 के स्पीड से किस समय में? 9 सेकंड में। यही जो लंबाई होगा, यही जो दूरी होगा, यही हमारा ट्रेन का लंबाई कहलाएगा। अब बताइए 5/18 से मैंने गुना क्यों किया? क्योंकि मुझे क्या करना था, मीटर पर सेकंड में बताना था। यहां पर सेकेंड टाइम क्या है, सेकेंड में है, तो हमें स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में लाएंगे, यूनिट सेम होना चाहिए। अब इसको काट दें 2 से 24 और 120 मीटर। तो ये जो 120 मीटर का जो लेंथ आया है, ये लंबाई वो है जो ट्रेन की अपनी खुद की लंबाई है। इसको साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रेन उस पोल को पार करने में 120 मीटर की लंबाई चल, 120 मीटर की लंबी दूरी को पार करना पड़ा, या फिर 120 मीटर चला है। एक किसी टाइप का क्वेश्चन और देखिए। देखिए जो क्वेश्चन जिनके पास जो स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, साथ में आप पीडीएफ फाइल क्वेश्चन का, जो भी पीडीएफ फाइल है वो आप डाउनलोड कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां देखिए आपको पीडीएफ फाइल का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, क्वेश्चन आपके साथ आ जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में दिख रहे हैं, लेकिन उस जो फाइल है, वो जो पीडीएफ फाइल है, उसमें क्वेश्चन इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों मीडियम में है। साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। जो भी ग्रीन कलर है वो क्या है, आपके सोल्व क्वेश्चन जो मैं यहाँ सोल्व करा रहा हूँ, और जो पर्पल कलर के है वो आपके वो क्वेश्चन है जो आपको अपने खुद से ट्राई करना है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको दिक्कत होता है, जो क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ या फिर जो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिला है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो, आपको फिर से जरूरत चाहिए मदद की, आपको समझना है फिर से कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन क्लियर नहीं है आपके अभी भी, आप हमें फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और वहां पे हमें बताइए। फेसबुक पेज का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फेसबुक पेज पे जाइए, उसको लाइक कीजिए, और जो भी दिक्कत हो वहां पे, जो भी क्वेश्चन आपको किसी और टॉपिक का भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन मैथ का, वो आप वहां पोस्ट कीजिए,
आपको सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और आपको वही बता दिए जाएंगे जो आपका सोल्यूशन होगा वो कौन से डॉट वीडियो के किस नंबर में आएंगे। जैसे किन्हीं को अगर ये बोला गया है कि है किसी क्वेश्चन पे अगर ये रिप्लाई आया है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन इस डॉट वीडियो का इस नंबर वाले वीडियो में आ रहा है सोल्यूशन आपके क्वेश्चन का। किन्हीं को सिर्फ रिप्लाई में यही मिलेगा आपको हैश 091, मतलब आपका जो भी क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आपको किस वीडियो में आ रहा है, इस वीडियो में आ रहा है। और जो भी जितने भी वीडियो आपके यूट्यूब पे आ रहे हैं वो सारे वीडियो फेसबुक पे भी अपलोड हो रहे हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन जो 4.3 आपके फाइल से, उसमें क्या करा करा, एक ट्रेन जो है 10 सेकंड एक पोल को पार करने में लेता है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेता है। अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, ट्रेन है या पोल है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है, अगर प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 मीटर है तो आपको बताना है क्या ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए क्वेश्चन एकदम सिंपल से बता रहा हूं आपको, 10 सेकंड में ये अपने आप को पार किया होगा क्योंकि 10 सेकंड में पोल को पार कर रहा है, इसका मतलब 10 सेकंड में उतना ही दूरी चला होगा जितना उसका खुद की लंबाई है। 20 सेकंड में जब ये किसी प्लेटफॉर्म को पार किया था 200 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को, इसका मतलब इस 20 सेकंड में वो कितनी दूरी तय की है, अपनी दूरी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, जबकि आपको पता है कि वो 10 सेकंड में अपनी लंबाई को पार कर सकता है, 10 सेकंड में अपनी लंबाई को पार कर सकता है। मतलब यहां से जो आप 10 सेकंड और 10 सेकंड दो भाग में बांटेंगे तो आपका जो ये 10 सेकंड है ये तो उसे किस में लगा दिया, अपनी लंबाई को पार करने में लगाया है। इसका मतलब ये जो 10 सेकंड का समय लगा ये किसके लिए लगा है, इस लंबाई को पार करने में लगा है, कौन सी लंबाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई। इसका मतलब 10 सेकंड में ट्रेन कितने मीटर चल सकता है, 200 मीटर चल सकता है, चल सकता है कि नहीं चल सकता है। यहां भी तो 10 मीटर सेकंड चला, इसका मतलब यहां भी कितने देर चला है, 200 मीटर चला है, और पोल को पार करने में कितनी लंबाई चला, कितनी दूरी तय किया, वो 200 मीटर। पोल को पार करने में जो दूरी होती है वही क्या होती है, ट्रेन की लंबाई होती है। क्लियर, जिनको रेशियो से चाहिए अगर कि रेशियो मेथड से, आप रेशियो मेथड भी देख लीजिए एक बार। देखिए ट्रेन की जो स्पीड है यहां और यहां देखिए दोनों केस में सेम है, इसका मतलब जो टाइम का रेशियो होगा T1/T2 वही किसका रेशियो होगा, डिस्टेंस का। आप बताइए टाइम का रेशियो कितना है, 1/2 बोल दें, 10/20 को हमने काट के 1/2 बोल दिया, इसका मतलब अगर टाइम का रेशियो 1/2 है तो स्पीड का रेशियो भी, डिस्टेंस का रेशियो भी क्या हो जाएगा, 1/2। इसका मतलब जितना यहां पे देखिए क्या हुआ, किसकी एक डिस्टेंस कब है, जब पोल को पार किया है, पोल को पार करने का मतलब अपनी लंबाई अगर उसकी एक यूनिट है तो इसको भी आप लिख सकते हो 1+1, इसका मतलब इसका एक यूनिट तो अपनी लंबाई है, ये दूसरा एक यूनिट बचा ये क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और इसी प्लेटफॉर्म की लंबाई एक यूनिट की वैल्यू दे रखी है उसने 200 मीटर। आपको निकालना ट्रेन की लंबाई इस एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 200 मीटर। क्लियर, देखिए क्वेश्चन 4.6, हमारे तरफ से थर्ड क्वेश्चन आपके फाइल से 4.6। देखिए कह रहा लेंथ ऑफ ए ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म आर इन द रेशियो 2:3, जो ट्रेन और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है, मतलब ये किसका लेंथ है, ट्रेन का और ये प्लेटफॉर्म का, इसका रेशियो दे रखा है 2:3। ट्रेन क्रॉसेस द प्लेटफॉर्म विद द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन चल रहा है, एक मिनट में किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, तो आप सिर्फ इतना पता कर लीजिए कि 90 के स्पीड से एक मिनट में कितनी दूरी चला होगा। आप देखिए मुझे 90 के स्पीड को मैंने मीटर पर सेकेंड कर दिया और फिर मिनट को भी, एक मिनट को भी सेकेंड कर दिया, तो आपका क्या आ गया 1500। इतना मीटर की दूरी चला होगा ये, कितना मीटर की दूरी चला होगा, 1500 मीटर की दूरी चला होगा इस स्पीड से इस समय में, और इसमें किया क्या, उसने प्लेटफॉर्म को पार कर गया। इसका मतलब इस दूरी में प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है प्लस ट्रेन की खुद की लंबाई है, और आपको दे रखा है ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई का रेशियो 2:3 है, मतलब इस दूरी को 2:3 के हिसाब में बांटना है, तो आप खुद बताइए 2:3 के हिसाब मतलब 5 हिस्सा टोटल,
पांच हिस्से की वैल्यू 1500, तो एक हिस्से की वैल्यू 300। इसका मतलब ट्रेन दो हिस्सा है, मतलब 2 × 300, और प्लेटफॉर्म कितना हिस्सा है, 3 हिस्सा, मतलब 3 × 300। अगर प्लेटफॉर्म का पूछता तो कितना लेंथ हो जाता प्लेटफॉर्म का, 900 मीटर। ट्रेन का पूछा इसलिए हम कितना बोल देंगे, 600 मीटर। क्लियर है? मजा आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ रहा है। देखिए जब बोर हो जाए आप, जब आपको लगे कि सर सिर्फ पढ़ा रहे हैं, तो हमसे बात कर लिया कीजिएगा, हमारे पास आपको सुनाने के लिए थोड़े से हैं कुछ चीजें। वैसे भी जिंदगी रखा क्या है, आपकी जिंदगी हो या मेरी जिंदगी हो, कुछ नहीं। मेरा काम है पढ़ाना, उसके बाद तो कुछ है नहीं। आपका काम है पढ़ना, उसके बाद कुछ नहीं। तो अगर अपना काम पूरा हो जा रहा है, अगर आपकी पढ़ाई पूरी अच्छे से हो रही है, तो फिर मजे कीजिए जिंदगी के, थोड़ा सा घुमा फिरा कीजिए, थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। अब ये मत बोलिएगा सर लॉकडाउन है घूमे कहाँ। अरे घूमने के लिए पैदल चलना जरूरी नहीं है, दिमाग को घुमाइए इधर उधर। कहने का मतलब पढ़ाई से निकल कर बाहर आइए, थोड़ा सा अपना दिमाग को स्थिर कीजिए, थोड़ा सा एंटरटेन कीजिए। और नहीं तो फिर मैं हूँ व्हाट्सएप, जिनके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे मेरे से बात कीजिए। कुछ ग्रुप में एक्टिव रहिए आप, साथ में फेसबुक पे आप एक्टिव रहिए, साथ में पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा गप्पे वगैरह भी किया कीजिए। बोलिए तो कभी महफिल हम ही जमाते हैं आपके लिए, बैठिए मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर रहा है ट्रेन पासिस टू ब्रिज ऑफ लेंथ 500 और 250। दो को ब्रिज है, ठीक है, उसका लंबाई दे रखा है 500 मीटर है और 250 मीटर है, दोनों का अलग अलग ब्रिज है, दोनों की लंबाई इतनी है। और बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो इसको 100 सेकंड में पार कर रहा है और इसको 50 सेकंड में पार कर रहा है, नहीं 60 है। क्वेश्चन में यही दे रखा है कि एक ब्रिज है जो 500 मीटर लंबा है, दूसरा है जो 250 मीटर लंबा है। 500 वाले को एक ट्रेन 100 सेकंड में पार कर रहा है और 250 मीटर लंबे ब्रिज को 60 सेकंड में पार कर रहा है। आप समझिएगा मेरी बात बड़े अच्छे से। देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें यह हो रहा है कि इसमें जो है ट्रेन अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की ब्रिज की लंबाई पार कर रहा है, इसमें भी ट्रेन अपनी लंबाई प्लस ब्रिज की लंबाई पार कर रहा है, और दोनों बार ट्रेन वही है। इसका मतलब जो ट्रेन की स्पीड है वो क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। स्पीड की हमें कोई मतलब नहीं है, क्रॉस कर दिया मतलब वो कांस्टेंट है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब जो समय का रेशियो होगा, जो समय का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, ठीक। आप अगर समय का रेशियो की बात करें तो मैं काट दिया इसको 5 और ये 3, मतलब यहां पे 3 यूनिट का समय लगा है, इस लंबाई को पार करने में 3 यूनिट का समय लगा है और इस लंबाई को पार करने में 2 यूनिट का समय लगा। आप एक बात हमें अच्छे से बताइए कि 3 यूनिट समय में ये क्या क्या पार किया होगा, इस प्लेटफॉर्म को प्लस अपनी लंबाई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इस 5 यूनिट समय में क्या क्या पार किया होगा? तो आप कहेंगे इस प्लेटफॉर्म को, सॉरी इस ब्रिज को प्लस अपनी लंबाई, दोनों बार यहां 3 सेकंड में 3 यूनिट समय में इस ब्रिज को पार किया, मतलब 250 मीटर चला 3 सेकंड में, 250 मीटर चला प्लस खुद की लंबाई चला, 5 इस समय में खुद की लंबाई चला प्लस 500 चला। मतलब अगर इसमें से इसको हम माइनस कर दें तो ये जो 250 निकल कर आ गया ये कितने समय में चला हुआ है, 2 यूनिट समय में। आया समझ में कि नहीं आया? 3 यूनिट समय में इतनी लंबाई चला है, जिसमें लंबाई प्लस क्या है, मान लेते हैं ट्रेन की लंबाई टी, तो इतना चला है प्लस टोटल लंबाई इतना चला है। अब तो क्लियर होगा कि 3 यूनिट समय में इतनी लंबाई चला, 5 यूनिट समय में इतनी लंबाई चला, तो 3 से ज्यादा जो 2 यूनिट समय में, मतलब 10 माइनस 10 करेंगे तो 250 जो चला है मीटर, ये कितने यूनिट समय में चला है, 2 यूनिट समय में। इसका मतलब ये 3 यूनिट समय में अगर चला होगा, 1 यूनिट समय का सिर्फ निकाल लीजिए पहले, तो 1 यूनिट में कितना चलेगा, 125। आप मुझे बताइए कि यहां पे टोटल 3 यूनिट समय चला है, 3 यूनिट समय चला है, तो 3 यूनिट का समय में कितना चलेगा टोटल। अब देखिए 1 यूनिट में 125, तो 3 यूनिट में 300
75 चलेगा कि नहीं चलेगा, जिसमें से 250 उसका क्या है, ब्रिज की लंबाई है, 250 ब्रिज की लंबाई है, तो इसका मतलब जो ट्रेन की लंबाई हो गई वो कितनी हो गई, 125। आप चाहें तो यहां भी कंपेयर कर सकते हैं, आप देखिए कि 5 यूनिट समय में कितना चलेगा, तो आप कहेंगे 625, तो जिसमें से 500 क्या है, ब्रिज की लंबाई है, तो 125 जो बचा वो ट्रेन की लंबाई। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि और भी मेथड से नहीं बनाएंगे, और भी मेथड है इसके बनाने के, जैसे कि ये जिनको दिमाग पे जोर ज्यादा लगे। देखिए अच्छा इस पूरे आप स्टोरी को याद रखिए, क्या हुआ था, ट्रेन 100 सेकंड समय लिया था एक को पार करने में, दूसरे को पार करने, मान लीजिए ट्रेन अपने 100 स्पीड से चल रहा होगा, 100 स्पीड से चल रहा होगा, 100 उसकी एक्स नहीं एस एस, तो कितनी दूरी चलेगा 100 सेकंड में, अगर वो 60 से चला होगा तो कितनी दूरी चलेगा, स्पीड तो वही है। अच्छा जब इससे चला था तो कितनी दूरी चला था, तो आप बोलेंगे सर प्लेटफॉर्म जो ब्रिज है उसको पार किया था, प्लस एक्स ट्रेन की लंबाई टी रखे थे ना, अभी टी रहने दे रहे हैं, ट्रेन की लंबाई पार किया है, दूसरी बार भी क्या किया है, प्लस लंबाई पार किया है, यही बोला था मैंने, स्पीड गुना समय बराबर आपका आ गया डिस्टेंस, स्पीड गुना समय बराबर डिस्टेंस। आप चाहें तो दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, आप दोनों को सॉल्व करने के लिए डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए एस एस कट गया, यहां कितना आ गया 5/3, और इधर कितना आ गया 500 + t / 250 + t। देखिए मेरे पास भी यही चीजें आई थी, तो जो कॉन्सेप्ट जो निकल कर आता है, जो लॉजिकल निकल कर आता है, वो कुछ अलग नहीं होता है, जब एक्स वाई का जो नॉर्मल मेथड है उससे चलेंगे, वही उसी को छोटा करते करते आखिर यहीं पे लॉजिक लगाया गया कि अगर यहीं पे इसको हम 250 कर दें प्लस 250 + t कर दें, तो यही वाला तो ये है, तो इसमें से अगर दोनों साइड हम 1 माइनस कर दें तो ये तो कट ही जाएगा इससे एलसीएम लेने के बाद, और ये कट जाएगा इससे एलसीएम लेने के बाद, तो ऊपर बचेगा कितना 2, और 2 किसको बताएगा 250 को। ये सिंप्लीफिकेशन का शॉर्टकट मेथड है जिसको आप दिमाग से करने की कोशिश कर रहे हैं। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, आपके पीडीएफ फाइल से 4.11 करें कि दो ट्रेन है जो 72 और 36 किलोमीटर पर घंटे के स्पीड से एक ही दिशा में चल रहा है, ये 72 से चल रहा है और ये 36 से चल रहा है, फिर बोल रहा है कि जो तेजी से चल रहा है वो 15 सेकंड में दूसरी ट्रेन में बैठे एक आदमी को पार कर जाता है, तो आपसे पूछ रहा है कि जो तेज चल रहा है ट्रेन उसकी लंबाई क्या है, मतलब इस ट्रेन की लंबाई आपसे पूछ रहा है। अब देखिए अगर 15 सेकेंड में ये पार कर गया होगा यहां पे बैठे किसी भी व्यक्ति को, तो सवाल क्या रहा कि इन दोनों इसको ये भी तो चल रहा है 36 का स्पीड से और ये जो चल रहा है ट्रेन 72 के स्पीड से, मतलब अगर हम इस आदमी से तुलना करें इसकी चाल, तो हमारा रिलेटिव स्पीड निकालना होगा तो कितना जाएगा 72 - 36 36 किलोमीटर पर आवर, मतलब इस आदमी को जो भी ट्रेन पार कर रहा होगा तो इस आदमी की तुलना में इसकी चाल रही होगी 36 किलोमीटर पर आवर, और इसे समय कितना लगा पार करने में 15 सेकंड। अब सवाल वही हो गया सिंपल, आदमी को पार करे चाहे पोल को पार करे, इस स्पीड से पार कर रहा है इतना समय लगा है, तो आपको बताना है दूरी कितनी, वही दूरी ट्रेन की लंबाई होगी। अब 36 को क्या करेंगे 5/18, ये देखिए जो मैं बार बार कर रहा हूं आप बार बार नहीं करेंगे, मैं इसलिए बार बार कर रहा हूं क्योंकि आपको याद रखवाना ये चीज कि 5/18 सेकंड मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। आप तो डायरेक्टली देख लीजिए 5/18 यहाँ दिमाग में रखिए, 18 × 36 10 आ गया, 15 × 150 आप लिख दीजिए कितनी मीटर की ट्रेन है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी 150 मीटर। आप ऐसे कर लीजिए डायरेक्ट, आप इस पे नहीं कीजिए, ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, आप समझिए इसको देखने के लिए, देखिए आप समझिए, लेकिन आप जब खुद पे बनाएंगे तो कोशिश कीजिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दो स्टेप बचा ले मेरे से, आप ये स्टेप पूरा बचा लीजिए, आप ये स्टेप बचा लीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है
थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर डालेगा, थोड़ा सा आपको परेशान करेगा। करीब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करने वाली ट्रेन अपने ही आधी लंबाई वाली दूसरी ट्रेन को 12 सेकंड में पार कर जाती है। दूसरी ट्रेन 42 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में चल रही है। देखिए, एक 48 के स्पीड से इधर जा रही है, दूसरा 42 के स्पीड से इधर जा रही है, क्लियर। और इसको पार करने में कितना समय लग रहा है? 12 सेकंड। पार करने में 12 सेकंड लग रहा है पूरा। यदि पहली ट्रेन 48 सेकंड में रेलवे के एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है? जो पहला ट्रेन है ये किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है कितने समय दिया हुआ आपको? एक सेकंड, 45 सेकंड में। तो आपसे पूछ रहा प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। अब मुझे बताइए कि 48, देखिएगा 48 की स्पीड से चल रहा, 48 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा, 42 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड में दूसरे को पार कर जा रहा है, 12 सेकंड में दूसरे को पार कर जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बात करें कि 12 सेकंड में ये ट्रेन या फिर ये ट्रेन कितनी दूरी तय किया होगा या फिर टोटल डिस्टेंस 12 सेकंड में कितनी तय की गई होगी, तो आप बोलेंगे सर स्पीड दोनों का तो जुड़ जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड 42 और 48 90 हो गया, और इसको मीटर पर सेकंड में हमने कर लिया। अब आप बोलेंगे सर स्पीड गुना समय, यही दूरी चली गई होगी, यही दूरी चली गई होगी, मतलब इस ट्रेन दोनों ट्रेन एक दूसरे को जब पार कर रहा होगा तो टोटल जो लंबाई होगी वो इस ट्रेन की लंबाई और इस ट्रेन की लंबाई का ही सम होगा, जो दूरी यहां निकल कर आएगा। आप निकालिए इसे कितना गया, तो कहेंगे 5 25, 300 मीटर की लंबाई चली गई है इसने समय में इस स्पीड और इस स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब इसकी लंबाई प्लस इसकी लंबाई का जो सम है वो 300 मीटर है। यहां तक क्लियर? और क्वेश्चन में बोल रखा है शुरू में कि जो दूसरी ट्रेन है, जो 42 की स्पीड वाली ट्रेन है, उसकी लंबाई इससे आधी है, मतलब अगर इसकी लंबाई 2 है तो इसकी लंबाई कितनी है? 1 है, मतलब टोटल कितनी लंबाई है? 3 है। 3 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू 100, 2 की वैल्यू 200, मतलब ये जो ट्रेन है इसकी लंबाई कितना हो गई? 200 मीटर। अब मुझे बताइए अगर ये ट्रेन 45 सेकंड चलता है तो यहीं पे कर लें 48 की स्पीड से, तो कितनी दूरी तय कर लेगा? कितनी दूरी तय करेगा? आपको यहां से 3 से काट दें, 15 3 6 6 8 8 5 40 15 60, 600 मीटर की दूरी तय कर लेगा, 600 मीटर की दूरी तय कर लेगा ये 45 सेकंड में। ये पहली ट्रेन जब ये प्लेटफॉर्म को पार कर रहा होगा तो 45 सेकंड का समय लगा, तो उस समय ये टोटल 600 दूरी तय किया है, जिसमें से 200 दूरी इसकी खुद की है, मतलब ट्रेन की दूरी कितनी है उसमें से ट्रेन की लंबाई कितनी है? 400 मीटर है। देखिए सॉल्यूशन छोटा होता है अगर आप पकड़ लें तो, इसको पकड़िए, अब जो मैं बता रहा हूं इसको पकड़ के रख लीजिए, आपको सॉल्यूशन छोटा हो जाएगा। चलिए दो क्वेश्चन हम और करेंगे, हमारे पास इतना समय है अभी, दो क्वेश्चन हम और कर लें। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है ट्रेन जो है 150 मीटर लंबा है और 10 सेकंड में दूसरी ट्रेन को पार करता जो सामने से आ रही है। क्वेश्चन नंबर 7 और आपके पीडीएफ फाइल से 4.15 बोल रहा है, ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग टेक्स 10 सेकंड्स टू क्रॉस अनदर ट्रेन इन अपोजिट डायरेक्शन व्हिच इज 100 मीटर लॉन्ग। इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन सेकंड ट्रेन। आप मुझे खुद बताइए 150 मीटर लंबा ये ट्रेन है, सामने से एक ट्रेन और आ रहा है इधर से, ये 100 मीटर लंबा ट्रेन है, इसको पार कर जा रहा है 10 सेकंड में, और बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन इज 30 किलोमीटर पर आवर, इसकी लंबाई बोल रहा है, इसकी स्पीड बोल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर है, तो आपसे पूछ रहा है इसकी स्पीड क्या होगी? इसका चाल बोल रखा है कितना है? 30 है, तो इसका चाल निकालना है। आप खुद बताइए जब दोनों सामने से आ रहा है तो सामने से आ रहा है मतलब अपोजिट डायरेक्शन की बात किया है, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जुड़ती है। रिलेटिव स्पीड क्या होती है? जुड़ती है, आपको ये पता चल गया होगा। दूसरी चीज है कि आपको पता है कि जब
ट्रेन सामने से एक तरफ जाए या फिर आमने सामने आए किसी भी डायरेक्शन में, जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को क्रॉस करेगा तो टोटल जो पार करने में जो दूरी चली जाएगी वो दूरी क्या होगी, दोनों ट्रेन की लंबाई का जोड़। मतलब यहाँ जो दूरी तय की गई है 10 सेकंड में कितनी दूरी है, 250 मीटर। 250 मीटर तो आप खुद बताइए एक सेकंड में कितनी दूरी चली जाएगी, तो आप बोलेंगे सर 25 मीटर। और एक यूनिट समय में जो दूरी चली जाती है उसी को क्या बोलते हैं, स्पीड। अब आपको इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो इसको ऐसा कर दे रहे, तो ये क्या हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। मतलब इस स्पीड से वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस किया था, पार किया था। इसका क्या मतलब है कि ये जो निकल कर आया है ये रिलेटिव स्पीड निकल कर आया है, क्योंकि मैंने दोनों को जोड़कर पूरे समय से डिवाइड किया था। मतलब इस स्पीड से एक दूसरे को आर पार होती, इसका मतलब इसका स्पीड प्लस इसका स्पीड क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 90। अगर इसकी स्पीड 30 है, 30 ही दिया हुआ है ना, हाँ, अगर पहले की स्पीड 30 है इसका मतलब इसकी स्पीड कितनी होगी, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर पर आवर। तभी तो दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेगा और 10 सेकंड में क्रॉस कर जाएगा। तो इसमें क्या किया था, इसके पहले वाले सवाल में ये चीजें दे रखा था डायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस बार क्या किया है आपसे स्पीड निकालने बोला है। इसी तरह का एक सवाल और देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और पीडीएफ 4.17। Correct, two trains A and B starts towards each other at 10 am from two different places 324 km apart. A speed of train A and B are 24 and 30 km respectively. When will they meet? अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है कि 324 किलोमीटर दूरी पे दो ट्रेन खड़ी है या दो स्टेशन है, एक ए ट्रेन है और एक ट्रेन बी है। ए इधर चलता है और ए इधर चलता है, 324 किलोमीटर की दूरी पे दोनों है। बोल रहा है कि 10 बजे दोनों स्टार्ट हो जाता है अपनी अपनी जगह से, 10 बजे दोनों शुरू करता है चलना अपनी जगह से। 324 किलोमीटर की दूरी को तय करने के बाद पूछ रहा है, तय नहीं पूछ रहा है कि यहां से यहां के बीच की दूरी 324 किलोमीटर है, दोनों 10 बजे एक दूसरे की ओर चलना शुरू किया, तो बताइए कितने बजे वो जाकर मिल लेगा। और दोनों ट्रेन का स्पीड भी दे रखा है, बोल रहा है स्पीड क्या है दोनों का, 24 और 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसकी स्पीड दिया 24 किलोमीटर और इसकी दिया है 30 किलोमीटर पर आवर। आप एक चीज देख रहे हो यहाँ पे, फिर से सवाल वही है, बस तरीका कहने का अलग है। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, अभी तक आप ट्रेन की लंबाई को यूज कर रहे थे दूरी के जगह पे, लेकिन आप ध्यान दे रहे होंगे हम दूरी कहां से तुलना कर रहे थे, तो किसी आदमी से किसी पोल की लंबाई जिसकी होती ही नहीं लंबाई, वहां से ट्रेन की लंबाई की तुलना कर रहे थे, तो हम पोल को बोल रहे थे भाई तुम्हारी लंबाई हम नहीं गिनेंगे। यहां पे 324 किलोमीटर की दूरी की तुलना की जा रही है ट्रेन की लंबाई से, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, इसकी खुद की लंबाई इग्नोर करेंगे। अब बात कितनी रह गई, यहां से कोई चीज है जो 24 किलोमीटर की तरफ इधर चला है जिसकी लंबाई कुछ नहीं है, ट्रेन है तो लंबाई नहीं है, एक ही डब्बा वाला ट्रेन है, एक ही इंजन वाला है सिर्फ। आप इधर से भी कह सकते हैं कि इधर से 30 से चला, तो आप बताइए दोनों जब आमने सामने चल रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मतलब कहेंगे कि आप 54 की स्पीड से चल रही है, और उसको कितनी दूरी तय करना है दोनों को मिलने का, मतलब जहां भी मिलेगा जितनी दूरी ये तय करेगा और इतनी दूरी ये तय करेगा, अगर यहाँ पे मिल रहा है तो इतनी ये इतनी ये, और ये टोटल दूरी तो यही तय करेगा। मतलब 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर चलता है तो इसको 324 किलोमीटर की दूरी तय करना होगा। आप मुझे खुद बताइए कि अगर इस दूरी से इस स्पीड से चलेगा इतनी दूरी तय करना है तो कितना समय लगेगा, तो आप देख लीजिए 6, मतलब 6 किलोमीटर। अब किलोमीटर और किलोमीटर से बांट देंगे तो कट देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा कह देंगे टाइम कितना गया 6 घंटा। मतलब अगर ये 24 के स्पीड से चले 30 के स्पीड से चले तो 6 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। मिलने का मतलब क्या हुआ, कुछ दूरी ये तय करेगा और वहीं पे ये पहुंच जाएगा, किसी एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये अपनी ज्यादा तेज है तो ज्यादा दूरी चले चलेगा, ये कम है तो कम दूरी तय कर लेगा, तो आपको क्या हो जाएगा 6 घंटे में दोनों मिल जाएगा। अब बताइए दोनों 10 बजे चला था तो इसका मतलब 4 बज गया होगा, 2 बजे का 12 फिर 4 बजे का, तो 4 बजे शाम में जाकर दोनों ट्रेन एक दूसरे से टकराएगा, मिलेगा जो भी होगा। ये हमारा कुछ क्वेश्चन था जो कि ट्रेन का बेसिक क्वेश्चन था, ट्रेन से जो भी क्वेश्चन आते हैं उसका बेसिक था। इससे रिलेटेड आपके पास असाइनमेंट दिए हुए हैं जिसको असाइनमेंट को आपको
कंप्लीट करना है, उसके बाद हमसे पूछना है, उसमें कोई दिक्कत है तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से आ रहे हैं और उस वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं सेम चीजें, मतलब इसके आगे का। साथ में आपको फेसबुक पेज को लाइक कर लेना है, फेसबुक पेज को फॉलो करना है। फेसबुक पेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देखिए आपको फेसबुक का लिंक दिया हुआ है। आप फेसबुक के लिंक पे जाने के बाद आपको फायदा क्या है कि इस पे डाउट क्वेश्चन भेज सकते हैं डायरेक्टली। इसके अलावा एक चीज और बात आपको बतानी है कि एलिगेशन जिसको आपने मिक्सचर में पढ़ा था, याद होगा आपको, मिक्सचर एंड एलिगेशन एक टॉपिक है। इस मिक्सचर से एलिगेशन को मैंने निकाल दिया है, अब एलिगेशन को मैं ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 कम से कम 8 से 10 टॉपिक में मैं इस एलिगेशन को बता रहा हूं कहां कहां पे लगेगा। ये एलिगेशन का जो मेथड है ये 10 टॉपिक में 8 से 10 टॉपिक में आपको बताऊंगा कहां कहां लगेगा। तो आप उस वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है जिसमें आपके दिमाग और खुलेंगे और आपको मजा आएगा। चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक आप वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।